नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, DLED परीक्षा डेट शीट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे। CTET का प्री एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। 7 जुलाई को दोस्तों हमारा CTET का एग्जाम होना है, ठीक है ना। पेपर की तैयारी में लग जाइए, पर्याप्त समय अभी भी हम कहेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक हफ्ते में भी एक अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, ठीक है। 150 नंबर का CTET का एग्जाम होगा, 90 नंबर लाएंगे तो जनरल कैटेगरी से पास माने जाएंगे और उसके नीचे 82 लाएंगे तो आप आरक्षित वर्ग से पास होंगे। कभी भी अदर स्टेट में वैकेंसी आती है, जैसे बिहार में वैकेंसी आती है, यूपी के आप छात्र हैं तो वहां पर आपको, ठीक है, नौकरी में पार्टिसिपेट करने के लिए, आवेदन करने के लिए शिक्षक भर्ती में 90 नंबर मिनिमम चाहिए होगा। पेपर की तैयारी कैसे करना है, CTET एग्जाम फॉर्म और जो DLED का है वो कब से भरे जाएंगे। देखिए CTET का दोस्तों जो अगला पेपर होगा वो CTET दिसंबर में जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है उस समय यूपी टेट का भी हमारा एग्जाम देखने को मिल जाए। कुछ और बातें देखिए जरा, बहुत ही बड़ी खबर है कि परीक्षा अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिली, पेपर लीक करने पर उम्र कैद होगी, 1 करोड़ जुर्माना भी लगेगा। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, पेपर लीक में होगा आजीवन कारावास। कैबिनेट बैठक, योगी की नकल माफिया पर सख्ती, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, संपत्ति होगी कुर्क। जी हाँ दोस्त, ये बहुत ही बड़ी खबर है। अब देखते हैं, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। तो अभी हमारा CTET का एग्जाम होने वाला है, क्या दोस्तों CTET में पेपर लीक की घटना तो सामने नहीं आ जाएगी। देखिए ये सब मामले हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सारे पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल रुक ही नहीं रहे हैं। अब हो क्या रहा, पेपर लीक हो जाता है, कुछ लोग तो भैया बेच के निकल जाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, जैसे दोस्त उनके कस्टमर लग जाए, कहीं 5 लाख में भी बिकता है, ठीक है। 43 प्रस्तावों को यूपी कैबिनेट की बैठक में दी गई मंजूरी, 32 साल बाद प्रदेश में लागू हो रहा है नकल विरोधी कड़ा कानून। केंद्र कर चुका है 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान, अन्य राज्यों में भी पेपर लीक पर है कड़े नियम। साल भर गिरोह से भरपाई, कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। कैबिनेट के फैसले से 50,000 शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, विशिष्ट BTC 2004 के 45,000 शिक्षकों में खुशी की लहर, एडेड कॉलेजों में नियुक्त हजारों शिक्षकों मतलब फैसले से लाभान्वित होंगे, ठीक है। लेकिन ये बात दोस्तों नहीं रखी जा रही, जो बच्चे या जो टीचर आज नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, OPS में स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर एक न्यूज़पेपर में एक ही बात, जुलाई में दोस्तों 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। 15 दिन में विभिन्न विभागों के समूह के 180 से अधिक अधियाचन UP SSSC को मिले, ठीक है। ANM के 4,800, लेखपाल के 4,700, कनिष्ठ सहायक के 1,100 पद शामिल हैं। सिपाही भर्ती जल्द कराने को तैयारियां तेज, परीक्षा केंद्रों के चयन का निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी बच्चों ने आवेदन किया था, 60,244 पदों पर भर्ती की बात थी। लेकिन आपको बता दें, जो आप ये वैकेंसी देख रहे हैं ना, जब दोस्तों शिक्षक भर्ती आती तो उसमें क्या नया देखने को आपको मिलता है वो भी आज आप इस वीडियो में समझ लीजिए। जब भी दोस्तों नई शिक्षक भर्ती आती है, वैकेंसी आती है ना, ठीक है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर 60,000 पदों की बात थी सिपाही भर्ती में, लेकिन आवेदन करने वाले छात्र भी लाखों में थे, ठीक है ना। तब 30-30, 40-40 लाख से ज्यादा आवेदन होगा तो क्या समझ में आएगा आपको। जब दोस्त वैकेंसी 70,000 आ जाए और आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या मात्र 3 से 4 लाख है, तब फिर आपको मजा मिलेगा ना, तब होगा कि कंपटीशन बिल्कुल आसान है, आराम से नौकरी मिलेगी, ठीक है। कंपटीशन इतना भी ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए। होता है क्या, जब कंपटीशन ज्यादा टफ होता है तो बहुत से भाई लोग जुगाड़ वाले रहते हैं। देखिए जुगाड़ पानी हमेशा चलता रहेगा, आप इसको कभी भी कंप्लीटली बंद नहीं देख पाएंगे। देख लीजिएगा अभी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, कितना भी कड़ा कानून क्यों ना बन जाए, लेकिन आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो भाई गड़बड़ घोटाला हुआ है। कभी भी दोस्तों आप 100% संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो CTET का एग्जाम है 7 जुलाई को है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, देखिए दोस्तों जो फाइनल इसका एडमिट कार्ड आएगा वो पेपर के 2 से 3 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे, मतलब ठीक है 4, 5, 6 के आसपास, ठीक है, ये डेट आपकी रहेगी, 4 तारीख के आसपास से आपका फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। लेकिन जो अभी उसका प्री एडमिट कार्ड है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका सेंटर कौन से जिले में रहेगा, वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो उसको जरूर देख लीजिएगा कि आपका सेंटर लखनऊ में है कि वाराणसी में है कि आगरा में कि प्रयागराज में, ठीक है ना। तो अब दोस्तों बात हो जाए कि हमारा डीएलएड का एग्जाम कब से होगा। पिछले साल दोस्तों 3 जुलाई से एग्जाम शुरू हो गया था, तो इस बार क्यों लेट हो रहा है? आपको बता दें, लास्ट ईयर जो डीएलएड में एडमिशन के भी प्रोसेस था वो 2 जून से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस बार सब कुछ लेट हो रहा है। अब तो जैसे लग रहा है कि पेपर अगर ज्यादा डिले करेंगे तो फिर जुलाई के लास्ट वीक तक भी आपका जा सकता है। जो काम इनको थोड़ा तेज करना चाहिए था ताकि बच्चों का भविष्य बने, आने वाले टाइम में कोई भर्ती आती है, देखिए भर्ती की बात हो रही थी बीपीएससी बिहार में, TRE 4, जी हाँ दोस्तों 4.0 एक वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यूपी का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बिहार में अगर कोई चांस बन रहा है नौकरी का तो भाई वहां ही नौकरी ले लीजिए ना। हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे, इस समय दोस्तों हालात ऐसे हैं ना, देश भर में कहीं पर भी अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए और नौकरी हो शिक्षक की, प्राइमरी लेवल टीचर की, 1 to 5, 6 to 8, ठीक है, आराम से आप नौकरी लीजिए अगर गवर्नमेंटेड है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट में आप जाइए, लेकिन गवर्नमेंट में तो बिल्कुल जाइए, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी और काम भी उतना ज़्यादा नहीं करना रहता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि काम बहुत है, देखिए वही बात होती है ना, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी है तो आप अभी प्राइवेट में अगर आप पढ़ाने चले जाइए ना तो आपको लगेगा कि काम क्या होता है। सरकारी में भी काम रहता है लेकिन उतना भी नहीं रहता जितना आप लोग को डराया जाता है, ठीक है ना। जब आप स्कूल से पढ़ाकर घर लौटेंगे तो फिर बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा कि क्या होने वाला है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर टेंशन लेते हैं, कुछ और भी करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो कभी भी सरकारी टीचर की तुलना प्राइवेट से नहीं कर सकते। सैलरी के मामले में तो भैया बिल्कुल आसमान छू देते हैं सरकारी टीचर की सैलरी, प्राइवेट की सैलरी आपको पता है कि कितनी कम है, ठीक है। तो जो भी दोस्त और अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, अच्छे से पढ़ना है। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं पिछले साल 3 जुलाई से हमारा पेपर शुरू हुआ था। जो भी बच्चे डीएलएड 2023 बैच के छात्र हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देंगे पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहले दिन आपका बाल विकास शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, पहले दिन आपका 2 पेपर होगा, दोनों पेपर दोस्तों 50-50 नंबर का होगा। पेपर का समय मिलेगा आपको 2 घंटे, पहला सुबह वाला पेपर 10 से 12, दूसरा पेपर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक। 2 घंटे में पहले 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के, 15 अति लघु उत्तरी के और 20 नंबर के, 10 क्वेश्चन आपके लघु उत्तरी के, टोटल 50 नंबर। 50 में से पास होने के लिए आपको मिनिमम नंबर लाना पड़ेगा 25, जो कि आसानी से आ जाता है अगर आपने 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, तो ये मान के चलिए कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, समावेशी शिक्षा, ये दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में देख लीजिए, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ठीक है। तो आप में से काफी बच्चों ने उर्दू भी लिया होगा, तो उर्दू का भाई आप लोग देख लीजिएगा, इसकी क्लासेस नहीं है हमारे चैनल पर, बाकी सारे सब्जेक्ट की है, ठीक है। तो लापरवाही हम तो ये कहेंगे आपसे ना हो, अच्छे से पढ़ाई हो आपकी, ताकि दोस्तों रिजल्ट आपका बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग लापरवाही करेंगे तो फिर बाद में आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी में लगे रहिएगा, बाकी कुछ और अपडेट्स आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, और ये सब दोस्तों नए नए नियम रोज बन रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस समय इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है आज की डेट तक, देखिए अभी इम्पोर्टेंट है हमारा डीएलएड का एडमिशन, ठीक है। नया बैच आपके लिए 2024 का आने वाला है, ये नया बैच में ताबड़तोड़ एडमिशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के बच्चों को भी मौका देने की बात कह दी गई। अभी तक दोस्तों जो यूपी का डीएलएड था उसमें सिर्फ यूपी के ही बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, अब देश भर के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 100% सीटें फुल जाएंगी तो 1 साल में लगभग 2.5 लाख बच्चे डीएलएड में आएंगे, तो आने वाले टाइम में कंपटीशन टफ होता चला जाएगा। तो जो बच्चे अभी नौकरी पा चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहेगी आपका सीटेट 7 जुलाई का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे डीएलएड का एग्जाम लग रहा है, तो आने वाले महीनों में दोस्तों काम कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, लापरवाही सोचना भी नहीं इस समय, कुछ दिन के लिए सब कुछ भूल कर सिर्फ आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। इस समय आपको कुछ और याद नहीं आना चाहिए पढ़ाई के अलावा। तो पहले अगले महीने दोस्तों आपको अच्छे से सीटेट का एग्जाम, देखिए अभी क्या हो गया ना, पहले दोस्तों लग रहा था कि हमारा डीएलएड का एग्जाम पहले होगा उसके बाद सीटेट का एग्जाम आराम से देते हैं, लेकिन दोस्तों वैसा हो गया, सीटेट का पेपर अब आपका पहले होगा, 7 तारीख होगा और आपका एग्जाम 7 के बाद जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म के बाद ठीक है आपका पेपर होगा। पेपर के दोस्तों यहाँ पर भी 1 से 2 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिलता है डीएलएड में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। बाकी कुछ और अपडेट्स आएगी तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पेपर क्या होगा जुलाई के अगस्त, चांसेस दोस्तों जुलाई में बनाइए, देखिए ज्यादा लेट ना हो, जितना लेट होगा उतना ही आपका नुकसान होगा। फेल छात्रों के लिए क्या खबर है, बैक पेपर छात्रों को मौका मिल जाएगा, बाकी प्रत्यावेदन को लेकर
उस पर देखते हैं पीएनपी की क्या अपडेट आती है। फिलहाल ऑफिशियल तौर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आपको फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस चाहिए पढ़ने के लिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।